हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मा फले स्पृहा इति माम योभि जनाति कर्मभिर् न सबध्यते। अर्थात हे अर्जुन, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुझे आघात या एफेक्ट करता हो, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसकी मतलब मैं प्रशंसक हूँ या चाहने वाला हूँ, और ये जो मेरे बारे में जान जाता है वो भी कभी नहीं फंसता इस दुनिया के फ्रूटिव रिएक्शंस ऑफ वर्क में। इसका क्या अर्थात हुआ? प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद्गीता एज इट इज़ में कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, कुछ मटेरियल वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में अगर राजा कोई नियम या कुछ लॉज बनाते हैं तो राजा उनमें खुद नहीं फंसते, परंतु प्रजा उसमें कभी ना कभी फंस सकती है। वैसे ही द सुप्रीम लॉर्ड ने 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बनाए हैं, परंतु फिर भी वो उनको कभी आघात नहीं कर पाते। परंतु हम जैसे सामान्य जीव, हम जैसे सामान्य मानव, क्योंकि हम लोग दौड़ते हैं मटेरियल एक्टिविटीज़ के तरफ, और मरने के बाद भी हम लोग स्वर्ग में खुशियाँ चाहते हैं, इसलिए हम लोग उसमें फंस जाते हैं। देखिए, द प्रोप्रिएटर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट एंड रॉन्ग एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर्स, बट द वर्कर्स आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल। वो लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी गलती के लिए। वो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं और ये एक्टिविटीज लॉर्ड के द्वारा ऑर्डेंड नहीं होती है। एडवांसमेंट करने के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन में, देखिए कैसा मतलब हमारा दृष्टिकोण है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन में एडवांसमेंट करने के लिए लिविंग एंटिटीज हमेशा अपने ही मतलब वर्ल्ड के कामों में जुटे रहते हैं, नहीं कि ना कि कुछ सेटिस्फाई किया जाए द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड श्री कृष्ण, जो कि उस समय वृंदावन में सभी गोपाल वालों गोपी लोग, यहाँ तक कि उनके पिताजी नंद महाराज और यशोदा भी उसी काम में जुटे रहते थे, हमेशा सेटिस्फाई करने के काम में। परंतु हम जैसे तुच्छ मानव, हम हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं और वर्ल्ड के कामों में जुटे रहते हैं, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ नॉट द सुप्रीम लॉर्ड बट द हैप्पीनेस ऑफ आस आवर सेल्व्स। और इसी वजह से लॉर्ड अपने आप में फुल है, इसलिए वो कभी नहीं फंसते ऐसे कार्यों में। द प्रोप्रिएटर नेवर डिजायर्स द लो ग्रेड हैप्पीनेस, जो कि बनाए हैं द सुप्रीम लॉर्ड कभी भी ऐसे तुच्छ कार्यों में नहीं फंसते, जबकि हम जैसे मानव उसमें फंस जाते हैं। जैसे वैदिक स्मृति में ये कन्फर्म किया गया है, निमित्त मात्रम एव सयु सृजायम सर्ग कर्माणि प्रधाना करानी भूता यतो वही सृजया सक्तय। इन द मटेरियल क्रिएशन द लॉर्ड इज द ओनली द सुप्रीम कॉज, मतलब लॉर्ड श्री कृष्ण ही एक परम कारण है, उनसे बढ़कर और कोई कारण नहीं है।